जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, आज का जो विषय है यह ग्रहों की युति क्या परिणाम देती है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो ग्रहों की युति में आज विशेषकर शुक्र और शनि, शनि के साथ शुक्र स्थित हो या फिर शुक्र के साथ शनि स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम आ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देता हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज का सब्जेक्ट मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसके पहले जब शुक्र और शनि की युति के बारे में बता रहा हूं, तो इससे पहले आपको इनके कारक तत्व के थोड़ी इशारा कर देता हूं ताकि आपको इसको समझने में सुविधा होगी। सर्वप्रथम शुक्र को लेते हैं। शुक्र यदि हम हमारे ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की बात माने तो यह भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पत्नी का रूप में शुक्र को माना गया है, यानी कि माँ लक्ष्मी, जिसे हम माँ लक्ष्मी कहते हैं। और माँ लक्ष्मी की सबको उम्मीद रहती है और सब इससे सम्मान करते हैं, लालयत रहते हैं धन को पाने के लिए। तो शुक्र का जो है यह वेल्थ कारक ग्रह माना गया है। तो वेल्थ यानी कि आपके जीवन में धन कैसे प्राप्त होगा, ये शुक्र से हम जान सकते हैं। दूसरा आता है शनि। शनि ये भी सूर्य भगवान का पुत्र माना गया है, तो ये सूर्य का पुत्र शनि, ये शनि को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। शनि सर्वप्रथम काल है, ये काल यानी कि वर्तमान समय, भूत और भविष्य, ये काल की जो गणना की जाती है उसमें शनि को सहायक के रूप में लिया जाता है, इसलिए शनि को काल कहा जाता है। दूसरे नंबर का है ये काला, ये शनि का जो रंग है वो काला है, वो काला रंग होने के कारण इस शनि से संबंधित जो भी व्यवसाय है या जो भी पैसा है वो, फॉर एग्जांपल वकील हुआ, न्यायाधीश हुआ, क्योंकि न्यायाधीश ये शनि न्याय का कारक माना गया है, इसलिए अधिकतर जो कानून से संबंधित एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उसे अपना कैरियर बनाते हैं तो वो शनि से संबंधित काला कोट धारण करते हैं। अब ये शनि जो है काल हुआ, काला हुआ और एक काली, इसको काली के रूप में भी माना गया जाता है। तो इस तरह से शुक्र और शनि यदि हमारी जन्म पत्रिका में या तो किसी भी स्थान पर स्थित हो, शुक्र और शनि की या तो एक साथ युति हो या फिर जहाँ शुक्र स्थित हो उससे दूसरे भाव में, जब हम धन से संबंधित बात कर रहे हैं तो शुक्र को लग्न मानते हुए उसके दूसरे स्थान पर शनि स्थित हो। दूसरा स्थान, वैसे हम सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान ये आपके धन भाव को बताता है, धन लाभ को दर्शाता है, बैंक बैलेंस दर्शाता है। तो दूसरे भाव में जहाँ शुक्र स्थित हो उसके दूसरे भाव में यदि शनि स्थित होगा या फिर जहाँ शुक्र बैठा हुआ है कुंडली में, जहाँ पर भी कहीं पर भी शुक्र स्थित हो और उसके जस्ट सामने यानी कि सातवें स्थान पर शनि स्थित हो, यह तीसरी कंडीशन, या फिर शुक्र और शनि की युति नंबर वन बताया, दूसरा शुक्र से दूसरे स्थान पर, यह कंडीशन। एक नेक्स्ट जो वो है, ये जहाँ शुक्र ग्रह बैठा हुआ हो उससे या तो पहले स्थान पर या उससे आगे यदि हम गिनती करते हैं तो पांचवें स्थान पर, या फिर शुक्र जहाँ बैठा हुआ है उससे नाइन्थ हाउस पर, ये नंबर या तो शुक्र के साथ बैठा हो नंबर एक पर या फिर शुक्र से आगे गिरने पर पांचवें स्थान पर या इसके नाइन्थ हाउस पर, इसको हम ट्राइन बोलते हैं। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यदि हम इसका वर्णन करते हैं या फलित करते हैं तो उसमें ये सिद्धांत काम आता है। तो इस तरह से वैदिक, हम बात कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये कुछ नियम है जिसके अनुसार आप शुक्र और शनि की युति के परिणाम किस तरह से हमारे जीवन में मिलते हैं उसको बताने जा रहा हूँ। जब ऐसी स्थिति शुक्र और शनि की युति होगी तो ऐसा व्यक्ति
इनकी महादशा या तो शुक्र की महादशा या फिर शनि की महादशा या फिर इनका प्रत्यंतरदशा या अंतरदशा या सूक्ष्म दशा में व्यक्ति ऐसा जातक जिसके शुक्र और शनि का किसी भी तरह से संबंध हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन कमाता ही कमाता है। उसका धन निश्चित 100% धन आता ही आता है। वो कब? जब वो शुभ कार्य करेगा। शुभ कार्य शनि क्या है, ये कर्म कारक ग्रह माना गया है, इसलिए इसमें शुभता, क्योंकि न्याय का देवता शनि माना गया है, तो अनैतिक तौर पर यदि कोई धन कमाता है तो वो धन नहीं कमा पाएगा बल्कि उसके नुकसान ही होगा। इसलिए जो नैतिक तौर पर यदि धन कमाता है, कर्म करता है, शनि क्या कर्म कारक है, जितना मेहनत करेगा, कर्म यानी मेहनत, जितना वो अपने जीवन में मेहनत करेगा उसके अनुरूप ऐसे जातक को जिसकी जन्म पत्रिका में शुक्र और शनि का संबंध हो उसके पास पैसा आता ही आता है। ये तो शत प्रतिशत बिल्कुल सत्य घटना है और आप इसको आज आजमा भी सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था ज्योति के बारे में, शुक्र जहाँ पर स्थित हो और वहाँ पर शनि भी स्थित हो, और यदि फॉर एग्जांपल यदि वो जन्म पत्रिका के आठवें स्थान पर स्थित हो, तो आठवां स्थान जो है ये गुप्त विद्याओं का माना गया है, और यहाँ पर हम आध्यात्मिक और ज्योतिष, मतलब आध्यात्मिक से आदमी पैसा नहीं कमा सकता है, तंत्र मंत्र से जरूर पैसा कमा सकता है, लेकिन उसमें भी यदि वो गलत कार्य करेगा तो। इसलिए यहाँ पर जो नियम लागू होगा वो सिर्फ और सिर्फ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, या तो वो PhD कर ले, पढ़ाई ऐसी करे कि उसको आगे जाके अच्छी पोस्ट मिलेगी, ये किसी रूप में उसके पास धन आएगा, या फिर ऐसा जातक जिसकी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है और वो ज्योतिष से संबंधित बिजनेस करता है, तो ऐसा जातक अपने कर्म के अनुसार धन उसके पास आएगा ही आएगा। यह है अभी दूसरा जो मैंने बताया था कि जहाँ शुक्र स्थित हो और शुक्र के बाद में यानी कि दूसरे स्थान पर जो ग्रह होंगे उस ग्रह के अनुसार नियम ज्योतिष शास्त्र का, वैसे तो मैंने बताया था आपको, जहाँ शुक्र स्थित हो और उसके दूसरे स्थान पर यदि शनि स्थित होगा तो उसके पास धन आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें यदि शुक्र के बाद में जो भी ग्रह होगा और उसका शनि की भी दृष्टि पड़ जाए, या पांचवें स्थान पर हो जहाँ शुक्र स्थित हो और वहाँ पे पांचवें स्थान से शुक्र से आगे पांचवें स्थान पर यदि शुक्र के पांचवें स्थान पर आगे शनि स्थित हो, तो ऐसे में ऐसे जातक का धन आना स्वाभाविक है। अब थोड़ा सा मैं इसको नियम को बदलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी की जन्म पत्रिका, अब मैं उदाहरण से बताता हूँ, वृश्चिक लग्न की हम लेते हैं, वृश्चिक लग्न की यदि हम चर्चा करते हैं तो वृश्चिक लग्न के अनुसार आठवें स्थान पर, जन्म पत्रिका के आठवें स्थान पर यदि वहाँ शुक्र स्थित हो, तो शुक्र जब वहाँ आठवें स्थान होगा और यहाँ पर या तो शनि इसके साथ स्थित हो, शुक्र के साथ आठवें स्थान पर, या फिर जहाँ शुक्र स्थित हो उससे आगे गणना करने पर पाँचवें स्थान पर शनि स्थित हो, अब पांचवा स्थान या आठवें से यदि हम पांचवा स्थान गिनते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पर जन्म पत्रिका का बारहवां स्थान आता है। तो ये बारहवें स्थान, ऐसे में शुक्र शनि का संबंध हुआ, और जो मैंने बताया था कि शुक्र के जहाँ शुक्र स्थित हो उसके दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, दूसरे स्थान पर यदि गुरु ग्रह स्थित हो, तो वृश्चिक लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न के अनुसार आठवें स्थान पर शुक्र हुआ स्थित और उससे दूसरे स्थान यानी कि नाइन्थ हाउस जो भाग्य भाव कहलाता है, और यदि वहाँ गुरु स्थित होगा तो ऐसा जातक दो क्षेत्रों में कमाएगा। फर्स्ट आठवें स्थान पर ये ज्योतिष से संबंधित या फिर आपके PhD वगैरह करता है, डीपली अध्ययन करता है, उसके बाद ये जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उससे जरिए पैसा कमाएगा। दूसरे शुक्र से आगे जब स्थित कोई गुरु है, स्थित है, फॉर एग्जांपल गुरु स्थित है, तो गुरु ये धर्म का आध्यात्मिक का माना गया है, तो ऐसे में उसके पास पैसा दूसरे रूप में, या तो वो धार्मिक कार्य करेगा, पंडिताई करेगा, पंडित क्या अपने कर्मकांड करेगा, तो उस कर्मकांड के जरिए शुक्र उसको स्वाभाविक तौर पर
पैसा दिलाता ही दिलाता है। और साथ में मैंने बताया था शनि भी दिलाता है, जहाँ शुक्र और शनि का संबंध है वहाँ पर पैसा आएगा ही आएगा। अब वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार आठवें स्थान पर शुक्र स्थित है और जन्म पत्रिका के बारहवें स्थान पर शनि स्थित है। अब ये शनि जब वहाँ बैठा है शुक्र से पांचवें स्थान पर और शनि की दृष्टि संबंध हो रही है नाइन्थ हाउस पे अपनी दसवीं दृष्टि से, तो इस तरह से शुक्र और शनि की संबंध से उसको धन प्राप्त हो रहा है। वहाँ शुक्र से दूसरे स्थान पर गुरु स्थित है, तो गुरु क्या पंडिताय कर्मकांड के जरिए उनको पैसे दिला रहा है, तो इसके पास पैसे आएगा ही आएगा। इस तरह से शुक्र और शनि का या तो संबंध युति हो या फिर दूसरे स्थान पर हो या फिर ट्राइन में यानी कि एक पाँच नाइन्थ, इन स्थानों पर यदि संबंध है तो 100% ये वेल्थ उसके पास आएगी आएगी। यह है शुक्र और शनि की संबंध में किस तरह से आदमी के पास पैसा आता है। अब ये शुक्र और शनि की जब चर्चा चल रही है, शुक्र के साथ शनि स्थित हो किसी भी रूप में, जैसे दूसरे में, पहले में, पांचवें या सातवें स्थान पर, तो ऐसे में ऐसा जातक यदि कोई बिजनेस ऐसा करता है जिसमें उसको नौकरों की आवश्यकता पड़ती है, नौकर कौन होता है, ये नौकर का प्रतीक शनि माना गया है, तो ऐसा जातक जिसके शुक्र और शनि का संबंध है और यदि वो अपने नौकरों को खुश रखेगा, नौकर के जरिए उसके पास वेल्थ आएगी ही आएगी। ये है ज्योतिष का अद्भुत सिद्धांत। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।